चुनाव के दौरान ही बीजेपी और जेडीयू के बीच मतभेद का मामला सामने आया है। दरअसल भागलपुर के जेडीयू सांसद अजय मंडल बीजेपी के कैंडिडेट को हराने की अपील करे, वहीं अब इस मामले पर अजय मंडल ने सफाई देते हुए कहा कि जेडीयू एनडीए का ही हिस्सा है, हालांकि नेशन न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप हमें 5 साल दें, हम बिहार की तकदीर बदल देंगे। इस मौके पर उन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। गुरु पूर्णिमा के मौके पर जमुई के झाझा में आरएसएस के सदस्यों ने जश्न मनाया। आरएसएस सदस्यों ने कहा कि इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है, जिसके अंश को हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आज जैसा कि सनातन धर्म में सभी लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का एक विशेष महत्व होता है हमारे धर्म में, तो उसी के मद्देनजर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झाझा के द्वारा शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से, और खीर प्रसाद बनाया गया और इस खुले आसमान के नीचे रखा गया। आज आरएसएस के द्वारा शरद पूर्णिमा कार्यक्रम जो है वह चरघरा के मैदान में मनाया गया। ऐसा मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार कि शरद पूर्णिमा के दिन आसमान से जो है अमृत की वर्षा होती है, जिसके कारण हम लोग खीर बना के शीत में रख देते हैं और उसके बाद उसका सेवन करते हैं। मसौढ़ी के पुनपुन में क्षेत्रीय सांसद रामकृपाल यादव के सामने आक्रोशित किसानों ने विरोध जताया। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान करने क्षेत्रीय सांसद पहुंचे थे। रामकृपाल यादव ने अंचला अधिकारी को फोन कर किसानों की समस्या को समाधान करने का निर्देश दिया। भागलपुर में 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार प्रसार अभियान थम गया है। वहीं इस मामले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने के लिए जिला चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, इसलिए मतदाता खुलकर मतदान करें। मुजफ्फरपुर जिले में 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले के निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी जयकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने लोगों से खुलकर मतदान करने की अपील की। तो हम लोगों के जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है और इसमें हमारा पारू, साहेबगंज, कांटी, बरुराज और मीनापुर विधानसभा क्षेत्र हैं और उनके लिए प्रचार का समय आज समाप्त हो गया है और अगला 48 घंटा अब साइलेंस पीरियड है, उसमें किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया जाएगा। उस पर हम लोग निगरानी भी करेंगे, हम लोगों ने टीम बनाया है। 3 नवंबर को फेज 2 का 5 मुजफ्फरपुर के 5 विधानसभा सीट में होने वाले मतदान की पुलिस मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन एवं ने पूरी तैयारी कर ली है। इसमें 76 कंपनियां जो कि पैरामिलिट्री की कंपनियां हैं उनके द्वारा हर बूथ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है।